दुनिया की सबसे ऊंची रोड। तो गाइस रास्ता प्लेन है और फुल स्पीड देने में भी 40 से ज़्यादा नहीं जा रही। लोगों के ऊपर भ्रम है कि लोग स्कूटी से खारदुंगला नहीं जा सकते। अरे क्या भ्रम है, मैं आज तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगा। बस कुछ चेक नहीं हो रहा। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माइटी खारदुंगला, वो प्लेस जो सबका ड्रीम होता है, हर एक बाइकर का। आपका जो एडवेंचर है वो हमारा डेली रूटीन है, हम पहाड़ी होगा। सब कुछ बढ़िया है, बस ये बेकार है। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ खारदुंगला की तरफ। भाई नहीं जा रहे, भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे। लगभग यहाँ से 35-36 किलोमीटर दूर है। पहले मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पेट्रोल भराने, फिर वापस जाना पड़ेगा, तो उसी रास्ते से होते हुए जाऊँगा खारदुंगला। हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं हूँ लेह सिटी में, पेट्रोल पंप के पास जा रहा हूँ, तो पेट्रोल भराता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एम्प्टी सा हो रहा है। तो गाइस 120 रुपये का पेट्रोल भरा दिया है मैंने, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा खारदुंगला के लिए। वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पास एवर, कुछ दिन पहले तक ये फर्स्ट पास था, अब ये सेकंड बन चुका है, क्योंकि उमलिंगला फर्स्ट पास हो चुका है वर्ल्ड का। लगभग 36 किलोमीटर जाना है और पूरी खड़ी चढ़ाई रहेगी, पूरी खड़ी चढ़ाई। तो जो भाई थे मेरे साथ उन्होंने मना कर दिया, बोला कि यार मेरा परमिट भी नहीं बना और मैं आ भी नहीं पाऊँगा, थक गए थे वो। बट मैं घूमने आया हूँ भाई, वो भी घूमने आया है बट वो थक गए। इसके जब रुपए देने ही है 400 रुपए, वैसे 800 रुपए है लेकिन शेयरिंग में 400-400 जाएंगे। जब 400 रुपए दे रहा हूँ तो यार खारदुंगला होके आऊँगा, जिसका मैंने परमिट बनाया है। तो आपको बीच में परमिट दिखाना पड़ेगा, मैंने परमिट बनाया था 560 रुपए का, 2-4 जगह का बनाया, उसमें पेंगोंग लेक भी शामिल है और नूबरा वैली भी। तो पेंगोंग के लिए मैं कल निकलूँगा, मेन में खारदुंगला जाना चाहता था अपनी धनों में, बट मेरी धनों दिल्ली में खड़ी है, तो अब मैं इसमें जाऊँगा सेकंड धनो। तो चलो लेट्स गो, जय बद्री विशाल। 600 मीटर की दूरी पे आ जाएगा ले का मेन मार्केट। वैसे स्कूटी वाले अलाउड नहीं करते खारदुंगला जाने के लिए, ताकि उनकी स्कूटी बोले ना, लेकिन इतने पैसे दिए हमने तो ले जा के रहेंगे। तो गाइस 3:20 हो चुके हैं, तो लगभग 4:30 तक मैं पहुँचूँगा खारदुंगला, क्योंकि ऐसा ही रास्ता रहेगा, पूरा खड़ी चढ़ाई, पूरी खड़ी चढ़ाई, इससे भी थोड़ी और ज़्यादा होगी, और बिल्कुल टॉप पे रहूँगा मैं, बिल्कुल टॉप पे। इधर से पूरा सिटी विजिबल है ले, पूरा ले सिटी। तो गाइज अगर मैं इस साइड को जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा सीमो मॉनेस्ट्री, तो जो टॉप पे थी उस दिन आपको दिखाई थी। अगर मैं इस रास्ते जाऊँगा तो शांति स्तूपा प्लस खारदुंगला के लिए जाऊँगा, लेकिन शांति स्तूपा के लिए नीचे वाला रास्ता जाएगा और खारदुंगला के लिए ऊपर वाला। तो गाइज अभी मैं हूँ 11,500 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से, बस अब चंद मिनटों बाद मैं पहुँच जाऊँगा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड में, यानी कि उस मोटरेबल रोड में जहाँ जाना लोगों का सपना होता है, खारदुंगला पास। वैसे खारदुंगला सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है उमलिंगला पास। तो गाइज अगर आप यहाँ से नीचे उतर जाओगे तो आप लोग चले जाओगे शांति स्तूपा की तरफ, जो कि वहाँ पे है 5 किलोमीटर की दूरी पे। इस जगह से सीधा जाओगे तो खारदुंगला पास, लेट्स गो स्ट्रेट। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है गाइज, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप था, यहाँ पे कुछ पास वास चेक नहीं हुआ, आगे होगा क्या पता, जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊंगा मैं। साउथ पुल्लू 20 किलोमीटर, खारदुंगला 34 किलोमीटर। अब ये रास्ता चढ़ता जाएगा खारदुंगला तक, उसके बाद नीचे को उतरेगा, बट मैं नीचे को नहीं उतरूंगा, मैं वापस बैक आ जाऊंगा, सिर्फ मुझे खारदुंगला तक जाना है। और आगे से आ रही है बाइकर्स की कतार एक लाइन में। स्कूटी तो छोड़िए, लोग साइकिल तक में आते हैं खारदुंगला पास। तो गाइज रास्ता प्लेन है और फुल स्पीड देने में भी 40 से ज़्यादा नहीं जा रही, 6G है ये। अबे इससे अच्छी तो मेरी धन्नो है रे, बट कोई नहीं यार, लेकिन रास्ता भी तो ऊपर ऊपर जा रहा है। लगभग मैं 12,500 फीट की ऊंचाई पे हूँ अभी, 12.5। देखो गाइज क्या हो रहा है कि हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं तो कुछ लोगों को सांस की दिक्कत भी होती है, कुछ को क्या मतलब जितने भी जा रहे हैं ना खारदुंगला, 80% लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मुझे होगा तो मैं बताऊंगा। लोगों को ले में भी बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मॉनेस्ट्री की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उनकी सांसें फूल जा रही है, उनसे बोला नहीं जा रहा, उनको चक्कर आ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पानी पीते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से चलो। किसने कहा कि ऐसे स्पीड बढ़ा के चलो यार, आराम आराम से चलो ना। मुझे तो अभी तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों के ऊपर भ्रम है कि लोग स्कूटी से खारदुंगला नहीं जा सकते,
अरे क्या भ्रम है, मैं आज तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगा। वैसे भी तोड़ रखा है कई लोगों ने, मैं अपनी 2G से भी सबका भ्रम तोड़ूंगा एक ना एक दिन, कि खाड़ दूंगा पहुँच के दिखाएगी मेरी धन्नो, ये वाली नहीं मेरी ओरिजिनल धन्नो। एक बड़ा खूबसूरत सा लोकेशन मिला है, पानी की धार आ रही है, बहुत प्यारा लोकेशन। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं, बट इट्स नॉट खारदुंगला। खारदुंगला ऊपर टॉप पे है रे, अभी काफ़ी दूर है। ये तो मैंने ऐसे ही रोक दिया था 2 मिनट के लिए, सोचा आप लोगों को नज़ारा दिखाऊं अभी का, बड़ा खूबसूरत सा है। तो क्या बोलती पब्लिक, न्यूट्रल कर ले क्या, थोड़ा सा पेट्रोल तो बचेगा, देखते हैं जहाँ तक जाएगा। चल मेरे घोड़े, एल्टीट्यूड हाई है इसीलिए नहीं जा पा रही। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। वो देखो वो जा रहा है खारदुंगला के लिए रास्ता, ऊपर टॉप पे, टॉप पे। तो लो जी गाइस, ये आ गया साउथ कुल्लू। यहाँ पे आप लोग चाय पानी पी सकते हैं आराम से, चेक पोस्ट भी बना रखा है यहाँ पे, बस कुछ चेक नहीं हो रहा। उधर पे करूं, चेक हो रहा है गाइस, एंट्री करनी पड़ेगी। खारदुंगला के लिए परमिट चाहिए होता है क्या? परमिट भी चाहिए होता है खारदुंगला के लिए? वो तो पता नहीं सर, बस एंट्री कर। तो गाइस साउथ पुल्लू में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी का नंबर लिखवाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा ठंडा भी हो गया है, 4:09 हो गए हैं। नहीं यहाँ पे चाय पीने का तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा आर्मी एरिया लग रहा है मुझे, तो इधर पे नहीं है कुछ भी चाय वाय पीने का। साउथ कुल्लू सियाचिन वॉरियर्स। तो गाइस वो रहा खारदुंगला टॉप, यहाँ से लगभग अब 13 किलोमीटर की दूरी पे है, एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ठंडा पानी है, ये पिघल के आ रहा है ऊपर की साइड से, माइटी खारदुंगला। तो गाइस मौसम तो ख़राब हो गया है और मैं लगभग 5 से 8 किलोमीटर के दूरी पे हूँ खारदुंगला से, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही है, हल्की हल्की, तो मुझे जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड नहीं खींच रही ज़्यादा, 35 से ज़्यादा नहीं खींच रही फ़िलहाल, मौसम ख़राब हो रहा है। यहाँ पर बारिश तो नहीं आती वैसे, बहुत कम आती है, यहाँ सिर्फ बर्फ़ गिर जाती है। जैसे आप टॉप पे देखो, वो होगा लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पे, वहाँ पे बर्फ़ गिर गई है, बट वो मोटरेबल रोड नहीं है, खारदुंगला मोटरेबल रोड है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के मज़े लिए जाए खारदुंगला आने से पहले, देखते हैं कहाँ तक रहेगी ऑफ रोडिंग, बता दूंगा आप लोगों को। देखो बर्फ़ का टुकड़ा, तो बारिश की बूंदें तो तेज़ हो गई और रोड भी ठीक आ गई, लगभग 1 किलोमीटर का पैच खराब था। वहाँ का मौसम देखो, ले सिटी का बिल्कुल साफ़ है, धूप हो रही है, यहाँ का मौसम ख़राब हो रहा है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ टूट गई है उनको ऐसे डिस्प्ले किया गया है, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली करके, आगे देखो बर्फ़ का पहाड़। तो गाइस जब मुझे बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, वो देखो बर्फ़ का टुकड़ा आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा और चलिए आगे, ये देखिए आगे बर्फ़ का टुकड़ा, ये ठंड लगने लग गई यहाँ पे ज़बरदस्त। वेलकम टू खारदुंगला पास, तो मतलब आने ही वाला है। ओ माई गॉड, खारदुंगला पास इज देयर। बस इतना ही था क्या? लोग कहते हैं स्कूटी की जान निकल जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, सांस फूल जाती है, अरे घंटान। तो गाइज खारदुंगला पास फाइनली, वर्ल्ड
हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो लो जी गाइस, मैं धन्नो से पहुंच गया, मेरी अकेली धन्नो ट्रक टेम्पो हिमालयन अकेली धन्नो जी यहाँ तक पहुंची। लोगों ने बस हवा बना रखी है कि स्कूटी नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन लेवल ये है वो है, घंटा कुछ नहीं हो रहा। तो ये देखो यहाँ हमेशा बर्फ मिलेगी आपको, चाहे आप किसी भी मंथ में आ जाओ हमेशा यहाँ पे बर्फ मिलेगी आपको खाटदुंगला में। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ खाटदुंगला, वो प्लेस जो सबका ड्रीम होता है हर एक बाइकर का। तो कुछ टिप्स दे रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो हेयर, ठीक है, डू नॉट हॉल्ट हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इफ़ यू फील हेडेक इमिडिएटली ड्राइव ऑफ, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट MI रूम और लद्दाख रेस्क्यू सेंटर। इधर पे लिखा गया है यू आर एट 18,000 feet अबव सी लेवल, और इधर पे लिखा गया है एल्टीट्यूड 17,982 feet, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खाटदुंगला। तो गाइस 4:35 में मैं यहाँ पर पहुँच गया था, अभी 2G स्कूटी भी पहुँच के दिखाएगी, यानी कि मेरी धन्नो, और अभी थोड़ा सा यहाँ पर टहल रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, हो सकती है, बट फिलहाल मुझे लग नहीं रही, और काफ़ी लोगों को लगती है यहाँ पे। तो नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर है जहाँ पे एंट्री करी थी गाड़ी की, खालसा 56, नूबरा सैंड ड्यून्स 86 किलोमीटर, सियाचिन बेस कैंप 186 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो सब इस साइड को है, अगर हम मई के स्टार्टिंग में आएंगे तो आपके सामने बर्फ गिरती दिखेगी आपको। तो यही था खाटदुंगला टॉप, और यहाँ पे आर्मी वाले हमेशा रहेंगे आपके साथ, सदैव आपकी सेवा में। पानी की आवाज़ आ रही है, वहाँ से बर्फ़ पिघल रही है तो पानी की आवाज़ आ रही है, नीचे की साइड देखो। और अगर आपका सर दर्द होता है या फिर आपका आपको ऑक्सीजन की कमी होती है ना, सबसे बेस्ट टिप है कि आप लोग पानी पीते रहें। तो गाइस ये था खाटदुंगला, आपका जो एडवेंचर है वो हमारा डेली रूटीन है, हम पहाड़ी होगा। ये जगह सबसे बेस्ट लगी, सबसे बेस्ट ये जगह, सब कुछ बढ़िया है, बस ये बेकार है। पानी पिया यहाँ फेंक दिया, चिप्स खाए यहाँ फेंक दिए, हर चीज़ नीचे फेंक दी। मतलब इंसान जहाँ जाएगा गंदगी ज़रूर करेगा, अपनी औकात ज़रूर दिखाएगा। लोग ऊपर की साइड भी जाते हैं वो पत्थर लगाने के लिए, बट फिलहाल मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, मुझे और जगह भी जाना है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। लोग कहते हैं यहाँ स्कूटी नहीं आ सकती, बोल जाती है और ये हो जाता है वो हो जाता है, अजी आते हैं, उनकी बात में बिलीव मत करना। मैं लेके आ गया ना धन्नो को, तो मतलब आप भी लेके आ सकते हैं। चलाने वाले में दम होना चाहिए यार, और पहले ही सोच लिया कि नहीं आ पाएगी तो नहीं आ पाएगी, अगर सोच लिया कि आ पाएगी तो आ पाएगी। चार धाम की यात्रा स्कूटी में करना बहुत मुश्किल है, बट करके दिखाई ना, तो कोई भी कर सकता है यार। मैंने तो 2G से करी है, आप लोग 4G 5G 6G से भी कर सकते हो। हाईएस्ट मोटरेबल रोड मतलब ये होता है कि सबसे ऊँचाई तक रोड जो जाती है वो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी बाइक स्कूटी टेम्पो ये सब जाते हैं। ऐसे हाईएस्ट तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन मोटरेबल रोड अलग हो जाता है। कोई दुकान वकान भी नहीं खुली यहाँ पे कि चाय पानी पीऊँ, तो चलो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस 4:59 थोड़ा सा आगे से आपको ले जाता हूँ। तो अभी मैं लगभग 18,000 feet की ऊंचाई पे हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यही था खाटदुंगला टॉप, ऊपर भी लोग जाते हैं पत्थर वत्थर रखने के लिए, बट अभी तक परमिट किसी ने भी चेक नहीं किया यहाँ पे। वहाँ पे लिखा हुआ है खाटदुंगला गुम्पा GUNPA, यहाँ तक परमिट नहीं लगता ना जी? परमिट नहीं लगता ना यहाँ तक? क्या परमिट? यहाँ तक आने का परमिट नहीं लगता ना? ना इसके आगे लगता है। आप परमिट उसके लिए चाहिए जो जो फॉरनर होते हैं, जो बाहर देश से आए होते हैं। अच्छा,